अब दोस्तों, अरे लाला कुंद बिहारी मजा तो आएगा। सच कहते हैं साले, मेरे भाई साहब ने अगर 30,000 रुपए दे दिए होंगे तो आज हम तुम्हारे इस तरीके के जलवे नहीं होता है। सच कहते हैं। लेकिन अरे इस सामने से देखा, आज फार्म हाउस पे मेरा दोस्त समर सिंह गिड़गिड़ाता और लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। सच कहते हैं। चलो उसका समर सिंह जी आपको क्या गिड़गिड़ाते हुए दौड़ते आए हो दोस्त मन, जरूर बताएंगे। लेकिन मेरे यार, आज हमसे कुछ, आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। क्या मतलब? आज हम अकेले में आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है समर सिंह, यदि ये बात है लाला कुंज बिहारी, तुम थोड़ी देर के लिए बेडरूम के पास चले जाओ। दोस्त मन, अब जब तुम हमसे बात पूछ रहे हो मैं जरूर बताऊंगा मेरे यार, तो सुनो बात क्या है। तो आप कब बेटा हो गया और दिल का मेरे बेटा है जो ना, वो हमारे जी का काल हो गया मेरे यार। समर सिंह मेरे यार, ये तुम क्या कह रहे हो? दोस्त मन, हम जानते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। सुनो मैं कहानी पूरी संक्षेप में बताता हूँ मेरे यार। जानते हो काफी दिनों से हम तुमसे नहीं मिले थे, इसलिए हम तुमसे मिलने तुम्हारी हवेली आ रहे थे। अचानक अपने जो मोनीम कुंज बिहारी है ना, इनकी लड़की काजल इनके लिए हलवा लेके वो भी हवेली को आ रही थी। अचानक यार हवेली के दरवाजे पर उससे मुलाकात हो गई।
और जानते हो जब हमने उसके हुस्न को देखा हम उसके दीवाने हो गए। मेरे दोस्त बन तुम तो जानते हो हमारी कमजोरी, अगर कोई खूबसूरत लड़की देख लेता हो तो ये हमारा जी जो है पागल हो जाता है। दोस्त बन जिस दम हमने काजल को देखा हमसे रहा नहीं गया, हमने काजल से प्यार की बातें की लेकिन वो ससुरी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो हमने सोचा जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो क्यों ना उंगली टेढ़ी कर दूं। मेरे दोस्त मन जिस दम हमने जबरदस्ती से काजल को पकड़ लिया शोर शराबा सुन के तुम्हारा लड़का हवेली से बाहर आ गया और उसने हमें बहुत मारा। मेरे यार ये तो अच्छा ये हुआ हमें मालूम हो गया कि वो तुम्हारा लड़का है, इसीलिए हम उस पे गोली नहीं चलाया। नहीं तुम तो जानते हो शमर सिंह वो चीज है, मार खाता नहीं है मार देता है। दोस्त मन हमने सोचा अगर आज हम वीर सिंह को मार देते हैं यानी तुम्हारे बेटी को मार देंगे तो तुम्हारा इकलौता बेटा है उसके दम में तुम भी जिंदा नहीं रहोगे और जब तुम जिंदा नहीं रहोगे तो ये हमारी दोस्ती किस काम में आएगी। मेरे दोस्त मन इसीलिए हमने सोचा जैसा तुम्हारा लड़का वैसे हमारा लड़का, यही सोचकर हम चुपचाप मार खाते रहे और आखिर में वहां से दम दबा के भाग निकले। समर सिंह तुम्हारे कहने का मतलब ये हवेली में तुमने प्रवेश किया हाँ हाँ तो तुमसे पहले लाला कुंज बिहारी की लौंडिया दिखाई पड़ी। हाँ मेरे यार तुम्हारे कहने का मतलब लड़कियों से खेलना तो तुम्हारा सर्वप्रथम पहला काम है। तुम तो जानते हो हमारी कमजोरी है। समर सिंह तुम चिंता ना करो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए तुम्हारे इरादे और हमारे फैसले हैं। कहने का मतलब ये यदि उस लड़की पे तुम दीवाना हो, लड़की पे तुम्हारी नजर पड़ गई तो हमारा वादा है किसी ना किसी जरूर तुम्हें पहुंचा दूंगा। रही बात ये वो मेरा बेटा वीर सिंह तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे जिगर का टुकड़ा वो भी है। हम जानते हैं मेरे दोस्त मन। खैर कोई बात नहीं छोड़ो ये, यही की बात खत्म करते हैं। आज हम तुम्हें एक जगह ले चलना चाहते हैं। कौन सी जगह मेरे यार? बताएंगे अरे मुख से निकालेंगे तो वास्तव में तुम्हारा दिल जी भर जाएगा। बताऊं? बताओ मेरे यार। तो हो के तैयार चलिए मेरे दोस्त मन, पीता है काफी कई दिन हुए और मुन्नी के कोठे पे आज चलो साथ। साल हो गए हैं, समझ रहे कि सीत के? हाँ हाँ समझ रहा हूँ मेरे दोस्त मन। वही जो दुदमुही लौंडिया को देने हुई जो श्यामू माली की लौंडिया हमने और तुमने कोठे पे मुन्नी बाई को बेच दिया था ना, उसी लड़की को देखने चलोगे? अरे देख रहे नहीं कसम भगवान की 18 साल की उम्र में उसके चेहरे। हाँ सही कह रहे हो मेरे दोस्त, चेहरे के नमूने और इरादे बदल गए होंगे। जरूर बदल गए होंगे और उसके कदरों की ढाल भी बदल चुकी होगी। दोस्त मन समझ गया अब वो लड़की कली से फूल बन गई होगी। दोस्त मन सही कह रहे हो, चलो आज चल के देखते हैं जो लड़की हमने तुमने 18 साल पहले मुन्नी बाई को दी थी, आज देखते हैं कोठे पे चल के वो जवानी में कैसी दिखती है। और हम मेरे दोस्त मन चलो चलते हैं साथ में, लाला कुंज बिहारी को भी साथ ले लेते हैं, वो क्या क्या हमारे तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे वो सोच रहे होंगे। आज तक कभी उन्होंने अकेले में बात नहीं की और आज हमें छोड़कर दोनों अकेले में बात कर रहे हैं, कौन सी बात हो? घबराओ नहीं, रास्ते में ले लेंगे मेरे दोस्त, चलो बढ़ाओ पैगाम, पढ़ाओ चलते हैं। आज मुन्नी बाई के कोठे पे चलेंगे लेकिन मेरी बात सुनो। कहो। वास्तव में आज वो इस चेहरे से खिल रही होगी लौंडिया, और भाई तुम बहुत दूजे किस्म के इंसान, ऐसा ना हो जाओ तुम्हारा दिल हो जाए। नहीं यार
मेरे दोस्त हमने कहा पैगाम चलो और हम दीवाने हैं दीवाने को नगर चाहिए नगर चाहिए और मोहब्बत भरी अपने छोटे सरकार आदाब मुनीम जी आदाब मुन्नी भाई हम लोग सोच रहे थे क्यों नहीं समर सिंह काफी दिन हो गए भाई हमने मैं तुम्हारे उस फूल से मुलाकात नहीं आज चल लेते हैं मुन्नी भाई सरकार जो परसों पहले लौंडिया हम तुम्हें दे गए थे ना आज उस लड़की का मुजरा देखना चाहते हैं मेरी सोनी का मुजरा देखना चाहती हूँ हाँ मुन्नी भाई उसका नाम सोनी रखा है हाँ उसका सरकार सोनी अब सयानी हो गई क्या सोनी रानी नाम रखा है तुमने मुन्नी भाई कोई बात नहीं एक बार दर्शन भी करा दो तो महान कृपा होगी सरकार तस्वीर रखिए मैं अभी अपनी बेटी को बुला रही हूँ बेटी सोनी अरे सोनी भाई सोनी नमस्ते मम्मी नमस्ते बेटी बेटी कहिए देखो कुछ लोग आए हैं ठाकुर साहब के साथ उनके खास मेहमान हैं जी मम्मी इसलिए उन्हें मुजरा सुना दो बेटी जैसे आ गया हाँ सोनी आदाब ठाकुर साहब हेलो वो आंगी आंगी मेरा रांगी रचा के ऐसा करूं सिंधा के मनी के वो मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने
वाह मुन्नी भाई, अरे मुन्नी भाई तुमने तो बहुत फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दिया। ये सब हमारी तहजीब का नतीजा। सही कहती हो, ठीक है मुन्नी भाई, तुम्हें मालूम होना चाहिए हम लोगों के पास वक्त की घड़ियां बहुत कम मिला करती हैं। आज चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे, फिर दूसरी बात मुद्रा दे। सरकार जब चाहे आप आइए, आप ही का कोठा है, आप ही की बदौलत से चलता है। क्या कह रहे हो, हम चले और तुम आओगे? आए हराम खोर साले, निकलो ना, 50 जूते खींच के मारूंगा, निकल। छोटे सरकार मुन्नी भाई, देखो आप सोच रही होंगी कि तुम्हारे दोस्त लोग तो चले गए और ये क्यों यहाँ रुक गए, तो देखो मुन्नी भाई। छोटे सरकार सब तो गए चले यहाँ से, अरे छोटे सरकार आप रखे तसरीफ है, क्यों बोलो सरकार। छोटे सरकार हाँ मुन्नी भाई, बड़े ठाकुर चले गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो कोठे पे? मुन्नी भाई देखो, समर सिंह को घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। देखो मुन्नी भाई, हमसे 1,00,000 रुपया ले लो और सोनी रानी को 1 रात के लिए हमारे हवाले कर दो। क्या देख रहे हो? सरकार सोनी को मैं नहीं दे सकती, सोनी तो हमारे कोठे की शान है, अभी देखो नाजुक कली। अरे हम जानते हैं सरकार, सोनी सिर्फ नाच गाना करती है, जिस्म नहीं बेचती। हाँ। देखो मुन्नी भाई, अरे सिर्फ 1 रात की तो बात है, जिंदगी भर के लिए थोड़ी लिए जा रहे हैं सोनी रानी को। 1 रात अपनी हवेली में रखेंगे, उसके बदले में तुमको 1,00,000 रुपए देंगे और सुबह फिर तुम्हारे कोठे पे छोड़ जाएंगे। छोटे सरकार जबान संभाल के बात करो। मुन्नी भाई कहते हुए सर्व खाया नहीं, ये हमारे कोठे की शान है, ऐसा कहते हुए सर्व खाया। तो बस खबरदार मुन्नी, आज मारों के रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी, मार गोली तुझे, अरे भेज मुल के आदम मुंह दिखाने के काबिल। मुन्नी भाई हमारी ही बिल्ली और साली हमी से में आओ। अरे मुन्नी भाई हमारे टुकड़ों पे पलटी आई हो और आज छोटी सी चीज क्या बांध दी तुमने, तेज आवाज में समर सिंह से बात की। छोटे ठाकुर चाहे जो भी हो जाए, जब तक मैं जिंदा हूँ सोनी को कुछ नहीं होने दूंगा। देख मुन्नी भाई तुझे मालूम होना चाहिए, समर सिंह को जो चीज पसंद आ जाती है समर सिंह वो चीज हर हाल में हासिल करके रहता है। मुन्नी भाई अगर सोनी रानी को हमारे हवाले नहीं कर दोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। सोनी रानी तो इधर भकर भकर क्या देख रही है? अरे पहले इस तेरी मौ से निपटो, तुझे तो बाद में देख लूंगा,
और मुन्ने भाई शुद्ध। हम जानते हैं मर्द की ताकत, मर्द का गुस्सा उसकी आंखों में होता है और औरत का गुस्सा उसकी जुबान में। शैली चकर बकर जुबान चलाती है, चल कोठे के अंदर चल, रोक अभी ताला बंद कर लेते, रोक मुन्ने भाई, मार मुन्ने भाई मार। ससुरी तो जाइए ना मालूम है जो चीज समर सिंह को पसंद आ जाती है, समर सिंह हाल हाथ में हंसी रहता है। मुन्ने कहां भाग के जाएगी, कोठे से बाहर भागोगी क्या? हम भी देखते हैं कहां तक भगोगी। अरे बच के कहां जाएगी अब तुम मेरे जाल से, बच के कहां जाएगी अब तुम मेरे जाल से, खींच लाऊंगा तुझे आकाश। नहीं बचाओ बचाओ, चला जाए लाने पीछे पड़ा है, छाड़ेगा नहीं पीछा, नहीं बचाओ कुतिया।